जी का तो आपको आशीर्वाद हमेशा है ही और रहेगा, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बस सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे गुरुदेव के हाथ से ये गाने का विमोचन हो रहा है और इस माता के रूप में स्वयं उन्होंने गाया है। माता के बहुत सारे रूपों का वर्णन है उसमें और इसे लिखा है हमारे वीरेश दत्त जी, उन्होंने लिखा है, बहुत खूबसूरत लिखा है। लिखने वाले लिख जाते हैं पर जब गाने की बारी आती तो हमारे गुरुदेव चमत्कार बताते करते हैं और वही चमत्कार इस भजन में है। देवियों के खूब बहुत सारे नाम हैं, आपको पसंद आएगा और मैं चाहता हूं कि गुरु इसको ज़रूर आप सुने क्योंकि माता के बहुत से नाम हैं, माता के बहुत स्वरूप हैं, लक्ष्मी भी हैं, सरस्वती भी हैं, दुर्गा भी हैं, काली भी हैं, तो उन सभी उन सभी स्वरूपों का इसमें वर्णन है, उसके बारे में लिखा गया और मैंने गाया है। संजय राग तो वैसे ही कमाल के म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, इन्होंने जितना काम किया मुझे नहीं लगता किसी ने किया होगा, तो मुझे इन्होंने अवसर दिया है इसमें गाने का, मुझे इसकी बहुत खुशी है, बहुत खुशी। और ये अनुजा क्रिएशन म्यूज़िक पे अपलोड किया हुआ है गाना, तो आप सब लोग इसको शेयर करें, सबको अगर अच्छा लगे, अच्छा तो लगेगा क्योंकि गुरुदेव ने गाया है, तो वो आप सब इसको आशीर्वाद दें कि ऐसे ही भजन, अच्छे अच्छे भजन आपको सुनाऊं, आते रहें और सबको मिलते रहें। संजय जी, ये एल्बम निकले अभी निकलेगा क्या, आपका मकसद? बस अभी नवरात्रि आ रही है 9 तारीख को, हाँ तो नवरात्रि से पहले आना चाहिए, आना चाहिए, तो परसों तो है, परसों है, इसीलिए ये हमने इस बार ये गाना सोचा है। बहुत अच्छे समय पे की, थैंक यू, बधाई, जय माता दी, जय माता दी। अनुभव के आप से भी आपका एल्बम लॉन्च हो रहा है, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आने वाले दिनों के लिए बहुत शुभकामनाएं। आप थोड़े इसके बारे में जरा बताएंगे, इस एल्बम के बारे में? बिल्कुल, पहले मैं अपने आप को इतना सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं मेरे गुरुजी के साथ और दादा गुरुजी के साथ बैठा हूँ। अनूप जी का आशीर्वाद सब पर है, अनूप जो भी सुर का काम करता है अनूप जी वहाँ होते हैं, इज ऑलवेज देयर टू एनकरेज एवरीबडी। संजयरा जी तो उनके खास पट शिष्य हैं बट हम जैसे बिगिनिंग सिंगर्स के लिए भी हमेशा वो रहते हैं, तो संजयरा जी ने ये 7 अलग अलग रागों में कंपोज किया है गुरु जी, और 7 देवताओं को, यानी माता रानी है इसमें, दुर्गा जी है, लक्ष्मी जी है, राम जी है, कृष्ण जी है, शिव जी है और ऐसे हनुमान जी है, तो 7 अलग रागों में, धानी, मालकाउस, दुर्गा, तिलक, कामोद, जय जयवंती, फिर बिहाग और केदार का एक मिश्रण है और फिर आखिर में भैरवी जिसे हम भगवान बजरंगबली के चरणों में रखते हैं, तो एक बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है। आपका आशीर्वाद चाहता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू संजयराज जी, आई रिक्वेस्ट ब्लेसिंग्स, वी रिक्वेस्ट ब्लेसिंग्स फ्रॉम सर। ये एल्बम एक रागमाला है और साथ ही साथ प्रभु माला है, इसमें 7 राग हैं और 7 ईश्वर हैं, 7 प्रभु हैं जिनका हम दिन रात स्मरण करते हैं। राहुल जी शास्त्रीय संगीत के बहुत जानकार हैं, मैं इनको एज ए क्लासिकल सिंगर ज़्यादा जानता हूँ क्योंकि मैंने इनको सुना है ध्यान से। हमारे कुछ दोस्त हैं दिलीप पीरामल जी के घर में, हमने इनको बहुत सुना और भी कई जगह स्टेज पे सुना, मैं जहाँ मौका मिलता है इनको सुनने जाता हूँ, ये बहुत अच्छे गायक हैं। संजय जी के लिए कहने की ज़रूरत नहीं है, सारा संसार इनकी चर्चा करता है, इन्होंने जो जो एल्बम बनाए हैं बहुत ही पॉपुलर हुए हैं और बहुत इन्होंने काम किया इतने कम उम्र में, इनको डॉक्टरेट की उपाधि से भी विभूषित किया गया है, ये डॉक्टर संजय राज। तो डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत बधाई है, डॉक्टर राहुल जी के साथ अनुराधा जी ने भी गाया है, इकट्ठे गाया है इसमें, और भी अच्छा, और भी अच्छा। तो मैं छोटी बड़ी बात कहना चाहता हूँ सर, सर से पूछना चाहता हूँ कि 7 अलग अलग राग आपने कैसे इसे एक साथ लिया, लोग हैरान हो रहे हैं सुन के, बोलते हैं कि कैसे 7 अलग अलग, लगता है कि अलग अलग है, मुझे कैसे
कैसे ये चमत्कार किया? देखिए, ये प्रपोजल जब आया तो मैंने सोचा, ये टाइम्स से प्रपोजल आया, गौरी यादवाड़कर जी ने कहा कि ऐसा कुछ एक गाना करना है, भजन करना है और साथ में अनुराधा पौडवाल और डॉक्टर राहुल जोशी को लेकर करना है। तो मैंने सोचा कि करना है तो कोई कुछ अलग ही कर देते हैं, वरना कॉमन काम तो हमेशा करता आया हूँ। तो डॉक्टर से मैंने बात की कि भाई ऐसा ऐसा प्रपोजल क्या करें। तो एक्चुअली आइडिया तो डॉक्टर की कि गुरुजी इसको अलग अलग रागों में हम आप करिए। तो मैंने बोला यार अच्छा है, सही बात है ना सर। तो मैंने कहा चलो ठीक है कर लेते हैं। तो फिर हम लोग बैठे दोनों भी, राहुल जैसे रागों को छेड़ते गए, मैं गाना कंपोज करते गया। बहुत अच्छी, ये सात सुंदर राग आपके हमारे गुरु के चरणों में और आपके सामने है, सुनिएगा आनंद लीजिएगा। और गुरु जी इसमें और एक कमाल हो गया है कि अनुराधा जी और मैंने साथ में गाया, ऐसा नहीं कि अलग अलग सेपरेशन नहीं किया, साथ स्टूडियो में खड़े, इसलिए और आनंद कम होता है। अब ये नहीं होता आजकल के दो सिंगर साथ में गाएं, हाँ मतलब इकट्ठे, मतलब वॉइस दोनों इकट्ठे आई, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अलग कंसेप्ट हो गया। आपकी अगर इजाजत हो सर दोनों की एक लाइन गा सुनाइए, इसका सुनाइए। ॐ गङ्गणनायकाय नमो नमः, श्रीबुद्धिविनायकाय नमो नमः, विघ्नविनाशकाय सिद्धिविनायकाय अष्टविनायकाय नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया, मोरया रे मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। और जो चौथा जो है गुरु जी, हाँ। राग तिलक कामुद में, ये खासो खास सर को अच्छा लगता है सर, इजाजत। श्री रामचंद्राय नमो नमः, श्री सीतापतये नमो नमः, श्री रघुनंदनाय नमो नमः, श्री पुरुषोत्तमाय नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। अच्छा अभी और एक बात गुरुजी, एक सवाल था, एक इनसे सवाल था, हाँ। जिससे कि आपके साथ दूसरे और गायक कौन है आपके साथ, आप वो और अनुराधा पौडवाल, अनुराधा पौडवाल जी, दोनों का डुएट है और बहुत अच्छा कोरस सर ने जमा किया है। आप देखेंगे 6-7 वॉइसेज है कोरस की, इसके वजह से भी सर एक अच्छा एक। और इसमें गुरु जी खास बात यह है कि ये सारे मंत्र मैंने लिखे हुए हैं। और मैंने सपोर्टिंग के लिए जो ट्रेडिशनल मंत्र है वो थोड़े बहुत लिए हुए हैं, क्योंकि वो उसके बिना कलर नहीं आएगा। तो बस ये हमारी कोशिश है, आप लोग सब आशीर्वाद दें, मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये खूब सुने लोग और इसका आनंद लें। बिल्कुल, धन्यवाद, थैंक यू सर। आपने कितने ही नाम सुने होंगे, माता के दुर्गा है, लक्ष्मी है, सरस्वती है, काली है। तो माता के जो इतने नाम हैं, इतने रूप हैं, उनका वर्णन इस भजन में है जो मैंने गाया है। संजय राज जी ने इसको कंपोज किया है, मैं चाहूँगा आप इसे सुनिए और आनंद लीजिए। और इसके जो लिरिक राइटर है वीरेश दत्त, पंजाबी बंदे हैं, वीरेश दत्त जी ने इसको लिखा है, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद है, उन्होंने इतना सुंदर लिख कर मुझसे गवाया। अनुजा क्रिएशन म्यूजिक पे है, अवेलेबल है, अनुजा क्रिएशन पर यह एल्बम अवेलेबल है, आप ज़रूर इसको सुने। संजय जी आप क्या कहेंगे सर माता के रूप के बारे में? मैं तो बहुत खुश हूँ कि माता तो है, गुरु भी साथ में है। तो मैं बस इस दिन की प्रतीक्षा में था कि गुरु का आशीर्वाद ले और इस एल्बम को मैं रिलीज करूँ। अच्छा, माता की रूपों को दिखाया गया किस गाने में? हाँ, माता की रूपों को बताया गया है, कौन कौन से रूप? बहुत सारे रूप है, मतलब वैष्णो देवी से लेकर माँ भवानी तक, ऐसे इतने विश्व में सारे रूप है उसके, उसमें बहुत सारे रूपों का वर्णन है। बहुत अच्छी, और ये फीमेल ओरिएंटेड भजन है, बहुत पसंद करेंगे ये। अच्छा, सोलो सॉन्ग? हाँ सोलो है इनका, बिल्कुल सोलो है। धन्यवाद, थैंक यू। यहाँ 7 इष्ट देव जिनके बारे में 7 रागों में कंपोज करके इस गाने को मैंने प्रस्तुत किया है। हमारे संजय राज जी, डॉक्टर संजय राज जी, इनको डॉक्टरेट मिला है संगीत में, तो इन्होंने संगीत दिया है और मंत्र
मंत्रों को भी लिखा है, ये स्वयं मंत्र भी लिखते हैं। तो इनमें सभी खूबियां हैं, गाते भी हैं, संगीत भी देते हैं, लिखते भी हैं। तो इसकी विशेषता ये है कि इसको राहुल जी ने और अनुराधा पौडवाल जी ने गाया है, दोनों उच्च कोटि के कलाकार हैं। और विशेष बात है कि दोनों ने साथ साथ गाया है। जब आप इसको आप सुनेंगे तो आपको बहुत आनंद का अनुभव होगा कि दो इतनी अच्छी आवाज़ें हैं, इतने प्रसिद्ध लोग दोनों। मैं तो अनुराधा जी का बहुत सम्मान करता हूँ, कमाल की गायिका है। तो दोनों ने गाया है और ईश्वर से प्रार्थना है कि खूब सफल हो, घर घर पहुँचे, लोग इसे सुने और आनंदित। टाइम्स म्यूजिक से इसको रिलीज़ किया गया है। ओम हन हनुमते नमो नमः, श्री अंजनी सुताय नमो नमः, सीताराम दूताय नमो नमः, संकट मोचनाय नमो नमः। ये जो स्तुति है हमारे गुरुजी ने लिखी है, संजय राज गोविंद जी ने, और ये राग भैरवी में कंपोज किया है। तो ऐसे सात अलग अलग राग, सात अलग अलग देवता, और ये भी ख्याल रखा है कि कौन से देवता का रिसर्च किया है सर ने, कौन से देवता को कौन सा राग अति प्रिय है, इस पर भी रिसर्च किया गया। आपको पता होगा कि शिव जी को राग दरबारी प्रिय है। तो ऐसे सब रिसर्च करके गुरु जी ने सात अलग अलग राग, सात अलग अलग देवताओं के लिए उनको उनके चरणों में अर्पित किया है। और गुरु जी मेरे हिसाब से ये चमत्कार है जी, क्योंकि कोई मुझे कहेगा कि भाई क्या आपके सपने में आए थे भगवान कि ये राग मुझे पसंद है, तो जैसे हमने भगवान के नाम चुने वैसे वैसे रागों का एक श्रृंखला सामने आई। बिल्कुल, तभी जाके हो गया राग। बिल्कुल। और फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अनुराधा पौडवाल जी जब रिकॉर्डिंग कर रही थी तो वो भी सरप्राइज हो गई। उन्होंने कहा तो संजय बोलती है इनको, संजय सात रागों को, अलग अलग रागों को जिसकी वृत्ति अलग है, प्रवृत्ति अलग है, चलन अलग है, उनको एक साथ आपने कैसे एक माला की तरह पिरोया है, ये सराहनीय है। उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया संजय जी को। संजय जी बताइए ना वो किस्सा। नहीं, बहुत खुश हो गई वो, क्योंकि उन्होंने वो तो दिन रात गाते रहते, पर ऐसे मंत्रों में रागों का वो आना उनके लिए भी एक नई चीज़ थी। और उन्होंने कहा भी है वो बाइट में कि मैंने ये पहली बार गाया है ऐसे रागों का, तो बहुत खुशी की बात है। और मैं बहुत खुश हूँ कि डॉक्टर राहुल के साथ उनकी वॉइस है, इसमें मैं ज़्यादा खुश हूँ। और थैंक्सफुल टू गौरी कि उन्होंने ये हमको सपोर्ट अपॉर्चुनिटी दी, तो ये हमने पार की। और सर मैं समझता हूँ सर कि माता के श्लोक बहुत हैं, शिव जी के श्लोक बहुत हैं, प्रभु रामचंद्र के गाने बहुत हैं, बट ये सात अलग अलग देवताओं के गाने एक साथ 6.5-7 मिनट में प्रस्तुत किया है, ये बड़ी मतलब सब देवताओं को नमन हो गया हमारा। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे मतलब कहीं पर नहीं पूरे दिन में बाकी के दो भगवान को याद करने की जरूरत नहीं। वो अलग बात है कि जिनके इष्ट देव है वो उनके बारे में सोचेंगे, पर ये हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से ये भगवान पूरे दिन के क्या बोलते हैं उसको, परिपूर्ण पूर्णता है इसमें। सर किन किन भगवान कौन से राग दे बताइए। अभी जैसे गणपत जी के लिए धानी राग यूज़ किया मैंने जी, और शंकर भगवान के लिए राग सर मालकोंस है, उनको राग पसंद है। और फिर दुर्गा देवी के लिए राग दुर्गा यूज किया मैंने। फिर सर राम जी के लिए तिलक कामोद है, और कृष्ण भगवान के लिए कौन सा अभी राग, जय जयवंत मेरा फेवरेट राग है। और फिर बाद में कौन आते हैं, माता महालक्ष्मी के लिए बिहार में है केदार मिक्स मिश्र राग है ये, और बस बाकी हनुमान जी के लिए भैरवी राग है। बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है ये, आप लोगों को अच्छा लगेगा। जो लोग सुन रहे हैं सर ऐसे बोल रहे हैं कि हमने ऐसे सुना नहीं है कुछ, और दिन भर सुबह लगाते हैं 8 मिनट सुबह लगा दिया, सब भगवानों को नमन हो गया। और सारी बात है कि मैं अपने गुरुओं का बहुत बड़ा अभी मतलब उनका मतलब क्या कहते हैं आभारी हूँ कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ उनकी वजह से। सुबह गणपति से भी एक गणेश जी से गणेश राग धानी लिया गुरु जी ने। एक कहना चाहूँ यहाँ पर कि हमारे गुरु जी डॉक्टर गोविंदन साहब ने 6,500 गाने कंपोज किए इन इज लॉन्ग करियर ऑफ 30-35 ईयर्स, सब कुछ ऑल ईयर्स, हिंदी फिल्म, मराठी फिल्म हैं, रोमांटिक गाने भी, रोमांटिक गाने भी है, कव्वाली भी है, बहुत सारे कव्वाली गवर्नमेंट के बड़े बड़े गीत हैं इनके। हाँ, गवर्नमेंट के गीत हैं, हम वहाँ भी सेवा दी है। बिल्कुल।